दोस्तों नमस्कार, आप दे रहे कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 6 अगस्त 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2024 को लेकर, जहां पर करंटली भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर है। रिसेंटली T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद वनडे सीरीज में जैसे ही भारत और श्रीलंका आमने सामने, तो यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से तख्ता पलट हुआ। पहले मैच में का रिजल्ट मैच टाई यहां पर देखने को मिला, स्कोर वहां पर लेवल रहा। और भाई सेकंड वनडे मैच में श्रीलंकन टीम ने भारतीय टीम को बहुत ही बुरी तरह से हराया और फिलहाल इन तीन मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंकन टीम ने 1-0 से लीड हासिल कर रखी है। अब इस सीरीज का तीसरा व अंतिम वनडे मैच हमें 7 तारीख को यानी कल भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से उसी स्टेडियम में कोलंबो के ही स्टेडियम से लाइव देखने को मिलने वाला है। मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार होने वाला है। 27 सालों का इतिहास यहां पर टूट चुका है। पहली बार श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाएगी, तो एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर श्रीलंकन टीम ने जरूर बनाया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब सीरीज का रिजल्ट यहां पर पूरी तरह से तीसरे वनडे मैच के ऊपर डिपेंड हो गया है, जहां पर यदि यहां पर श्रीलंकन टीम जीत जाती तो श्रीलंकन टीम इस वनडे सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लेगा। वही भारतीय टीम अगर यहां पर जीतती है तो वही 1-1 से सीरीज यहां पर लेवल रह जाएगी। लेकिन दोस्तों इस शानदार मैच के आगाज से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। एक दो बड़ा चेंज हमें यहां पर भारत की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकता है, जहां पर करंटली ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि भाई भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर जिस तरह से पिछले दोनों ही मैचों में कोलैप्स किया है, उसको ध्यान में रखते हुए ऋषभ पंत यहां पर प्लेइंग 11 में जगह को डिजर्व कर रहे हैं। और हाईली चांसेस भाई आपके तीसरे वनडे मैच में केएल राहुल को भारत की प्लेइंग 11 से बाहर निकालकर उनकी जगह पर ऋषभ पंत को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल यहां पर किया जा सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट हम तीसरे वनडे मैच के लिए भारत की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो मेरे मुताबिक भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे एक छोर पर कप्तान साहब रोहित शर्मा के साथ, दूसरे छोर पर वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे, नंबर 3 पर हमें विराट कोहली देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर हमें ऋषभ ताबड़तोड़ पंत देखने को मिल सकते हैं, नंबर 6 पर हमें शिवम दुबे देखने को मिल सकते हैं, नंबर 7 पर होंगे वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद नंबर 8 पर हमें अक्षर पटेल देखने को मिलेंगे, नंबर 9 पर होंगे कुलदीप यादव, नंबर 10 पर हमें मोहम्मद सिराज देखने को मिलेंगे और नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भी कुछ ऐसी होने वाली है इस तीसरे व अंतिम वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। लेकिन आपके मुताबिक कैसी होगी प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 को लेकर। जी हां, आईपीएल 2024 की समाप्ति के जस्ट बाद से ही आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन यानी आईपीएल 2025 के लिए जोरों शोरों से तैयारियों की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि भाई एडिशन की समाप्ति के जस्ट बाद बीसीसीआई ने घोषणा कर दी थी कि भाई नेक्स्ट आईपीएल से पहले हमें आईपीएल के मेगा ऑक्शन देखने को मिलेंगे, जिसके चलते बीसीसीआई आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजियां और भाई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल सभी जोरों शोरों से आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन की नीलामी के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी तैयारियों में यहां पर लग गई थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर रोजाना हमें आईपीएल को लेकर बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलती है। आज भी आईपीएल 2025 को लेकर 3-4 बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए वन बाई वन सभी अपडेट्स के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हां, जब से मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात टाइटंस के साथ हार्दिक पांड्या का ट्रेड किया था, तब से लेकर अभी तक मुंबई इंडियंस की टीम लगातार यहां पर ट्रेंड्स में चलती ही रहती है। कोई बोलता है कि भाई रोहित शर्मा टीम को छोड़ रहे हैं, कोई बोलता है कि भाई सूर्य कुमार यादव टीम को छोड़ देंगे, क्योंकि भाई आपको बताया कि इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले रिटेंशन को लेकर भी यहां पर होने वाले हैं। तो बड़ी समस्याएं, बड़ी जद्दोजहद यहां पर चल रही थी। लेकिन दोस्तों कल अचानक से कुछ बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आई, जहां पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2025
2025 के मेगा ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या को ही अपने स्क्वाड से रिलीज करने वाली है। हार्दिक पांड्या में आईपीएल 2025 की नीलामी का हिस्सा देखने को मिलेंगे, ऐसा यहां पर करंटली क्लेम किया जा रहा है। खैर दोस्तों, जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट फर्दर अपडेट हमें देखने को मिलता है तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई की मीटिंग को लेकर। जी हाँ, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई 31 जुलाई को बीसीसीआई की आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग पहली मीटिंग हुई थी, जहां पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस किए गए थे। रिटेंशंस के ऊपर डिस्कशन था, टीम कार्ड के उस पर डिस्कशन किए गए थे। उसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी काफ़ी सारे डिस्कशंस यहां पर थे। इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेकर, प्लेयर पेनल्टी रूल को लेकर भी वहां पर डिस्कशंस हुए थे, लेकिन केवल डिस्कशंस तक ही सभी चीज़ें यहां पर सीमित रह गई थी। कोई भी रूल यहां पर इंप्लीमेंट में नहीं आया था, कोई भी चीज ऑफिशियल अनाउंस नहीं की थी, जिसके चलते समस्याएं यहां पर जरूर थोड़ी सी बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर बीसीसीआई ने ऐसा बोला था कि भाई अगली मीटिंग में हम कुछ बड़े फैसले आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग लेके। लेकिन भाई अपने सब्सक्राइबर्स का, आईपीएल फैंस का सबसे बड़ा सवाल कि कब होने वाली है आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग बीसीसीआई की सेकंड ग्रैंड मीटिंग। तो टिल नाउ अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2024 में, जी हां, इसी महीने के तीसरे सप्ताह के सैटरडे संडे को हमें वह मीटिंग देखने को मिल सकती है, जहां पर आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग हमें काफी सारे बड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के रिटेंशंस को लेकर। जी हां, यदि यहां पर मेगा ऑक्शंस होते तो भाई क्या रहेगा रिटेंशन रूल, यह भी अभी तक का सबसे बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल था। तो इसके ऊपर भी हमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने को मिला है, जहां पर ऐसा क्लेम किया गया कि भाई चार तो रिटेंशन कार्ड और एक आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड सभी फ्रेंचाइजियों को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के दौरान मिलेगा, जहां पर चार रिटेंशंस में आप तीन कैप्ड प्लेयर को रिटेन कर पाएंगे, जिनमें आपके दो भारतीय कैप्ड प्लेयर हो सकते हैं, एक आपका ओवरसीज कैप्ड प्लेयर हो सकता है, उसके अलावा एक आप अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को अपने स्क्वाड में रिटेन कर सकते हैं, और भाई एक शानदार प्लेयर को आप आरटीएम यानी राइट टू मैच कार्ड के जरिए अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं। करंटली तो यही अपडेट निकल कर मेगा ऑप्शन को लेकर कुछ इसी तरह का रिटेंशन रूल यहां पर होगा। खैर दोस्तों, जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आएगा, अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है केएल राहुल को लेकर। जी हां, नाउ इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म दैट लखनऊ सुपर जायंट्स इज गोइंग टू रिलीज केएल राहुल बिफोर द आईपीएल 2025 मेगा ऑप्शन। जी हां, लगभग यह कंफर्म हो चुका है भाई, केएल राहुल और आपके लखनऊ का पार्ट वेज हो चुका है आईपीएल 2024 की समाप्ति के आसपास। यहाँ पर केएल राहुल और आपकी जो टीम के ओनर थे संजीव गोयनका, उनके बीच कुछ अनबन भी यहाँ पर हुई थी, और भाई वहीं से लग रहा था कि भाई इनके साथ ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो चीज अब यहाँ पर क्लियर होती नजर आ रही है, लेकिन केएल राहुल के लिए एक बुरी खबर है। हालांकि पहले तो काफी सारी फ्रेंचाइजियां उनको लेकर इंटरेस्टेड हो सकती थी, लेकिन उनकी जो करंट फॉर्म है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट आईपीएल एडिशन के दौरान दिया, जिस तरह का परफॉर्मेंस करंटली वो भारतीय टीम के लिए दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्लेयर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बनने वाला है। क्योंकि भाई हर टीम चाहती है केएल राहुल, इन फॉर्म केएल राहुल उस टीम को मिले, लेकिन केएल राहुल फिलहाल करंटली टोटली आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नीलामी के दौरान केएल राहुल के साथ भी कुछ समस्याएं यहां पर जरूर हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है आईपीएल ऑक्शंस की डेट को लेकर, कब होगी नीलामी, किस तरह होगी नीलामी, ये भी बड़े सवाल थे। लगभग कंफर्म हो चुका कि मेगा ऑक्शन हमें देखने को मिलेंगे, दो दिनों तक नीलामी चलेगी। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन देखने को मिलेंगे। करंटली दो टेंटेटिव डेट्स यहां पर निकल कर आई है। जी हां, आपकी 23 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर, इन दोनों में से किसी एक तारीख से हमें आईपीएल के मेगा ऑक्शन शुरू होते नजर आएंगे, और बेंगलुरु में हमें नीलामी देखने को मिलेगी, ऐसा यहां पर करंटली क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, राजस्थान रॉयल्स की टीम में एक बार फिर से राहुल द्रविड़ कमबैक करने के लिए जा रहे हैं। पहले भी टीम के हेड कोच के पद पर वो रह चुके हैं, टीम इंडिया के साथ उनका जो कार्यभार था वो खत्म हो चुका है, अब आईपीएल फ्रेंचाइजी को ज्वाइन करेंगे। हाईली चांस है कि भी राजस्थान रॉयल्स की टीम में ही वो अपना कमबैक यहां पर करके टीम को एक अच्छी सीमाओं तक यहां पर ले जाने की अपनी पूरी कोशिशें करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर यहां पर निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जी हां, रोजाना हम डिस्कस करते हैं, रोजाना कुछ ना
कुछ नया देखने को मिलता है। खैर दोस्तों, सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो होस्टिंग को लेकर चल रही है। पीसीबी के पास होस्टिंग राइट्स है। पीसीबी चाहता है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में देखने को मिले, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी जद्दोजहद यहाँ पर लगातार चल रही है और अभी तक कोई कंक्लूजन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा क्लेम किया जा रहा है हाइब्रिड मॉडल के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 देखने को मिलेगी, जहां पर सभी मैचेस पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे और भारतीय टीम के मैचेस हमें दुबई में देखने को मिलने वाले हैं। खैर दोस्तों, इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग जैसे ही नेक्स्ट अपडेट्स, फर्दर अपडेट्स यहां पर निकल कर आते हैं, अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। दो खबर निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। जी हां, उस टूर्नामेंट को लेकर भी अभी से कुछ खबरें यहां पर फैल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि ICC ने तो ऐलान कर दिया कि साल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को भारत और बांग्लादेश मिलकर होस्ट करने वाले। लेकिन अब जो बांग्लादेश के क्रूशियल कंडीशंस है, जो क्रिटिकल कंडीशंस है, उनको देखते हुए आईसीसी बार फिर से सदमे में कि भाई हमने बांग्लादेश में होस्ट कराने का जो डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन है भी या नहीं। तो भी ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा डिले और किया जाएगा ऑफिशियल वेन्यूज के अनाउंसमेंट में, और जैसे ही नेक्स्ट अपडेट निकल कर आएगा अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के सीडियो बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।